स्टीफन हॉकिंग के बारे में 10 हकायक जो आप पहले नहीं जानते होंगे। पहले हमारे वक्त के सबसे बासर साइंसदानों में से एक के बारे में जाने 10 हकायक। पूरा नाम स्टीफन वलीम हॉकिंग पैदा हुआ 8 जनवरी 1942 आबाई शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। पेशा साइंसदान और उनका इंतकाल 14 मार्च 2018 को हुआ। सबसे ज्यादा मशहूर कायनात की इब्तिदा और ब्लैक होल्स की वजाहत पर उनका काम। फैक्टर्स नंबर एक, स्टीफन एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहां तालीम बहुत जरूरी थी। उसके वालिदीन दोनों माहिर तालीम थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। रात के खाने के औकात अक्सर खामोशी में गुजरते थे जबकि घर वाले किताबें पढ़ते थे। नंबर टू, जब वो नवामर था, स्टीफन और उसके दोस्तों ने घड़ी के पुराने पर्जों, टेलीफोन के स्विच बोर्ड्स और दीगर रिसाइकल अशिया से एक कंप्यूटर बनाया। उसके दोस्तों ने उसे आइंस्टाइन का लकब दिया। नंबर थ्री, जब स्टीफन 17 साल का था तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। उसने बाद में कहा कि उसे अपना पहला साल बहुत बोरिंग लगा। ऑक्सफोर्ड से फारिग तहसील होने के बाद वो कॉस्मोलॉजी, कायनात की असल की साइंस में अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। नंबर चार, अफसोस की बात है कि जब वो 21 साल का था, स्टीफन को मोटर न्यूरॉन बीमारी की तशखीस हुई और बताया कि उस एमएनडी के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। धीरे धीरे दिमाग के इन खलियों को एमएनडी मुतासर करता है जो जिस्म के पट्टों के साथ बातचीत करते हैं। वक्त गुजरने के साथ मुतासर अफराद को बगैर मदद के चलने, बात करने और यहां तक कि निगलने में दुश्वारी होती है। नंबर 5, स्टीफन ने अपनी तशखीस के बाद वॉकिंग स्टिक्स और बिसाखियों का इस्तेमाल किया लेकिन जब उसकी बीमारी बढ़ गई तो उसे घूमने फिरने के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इस्तेमाल करना पड़ी। वो कैम्ब्रिज की सड़कों पर थोड़ी बहुत तेजी से गाड़ी चलाने और दूसरे तलबा की अंगलियों के ऊपर से भागने के लिए बदनाम हुआ। स्टीफन ने साइंस की दुनिया में बहुत अहम शराकत की। उसने उस बारे में नजरियात तैयार किए कि दुनिया कैसे शुरू हुई और ब्लैक होल्स, सितारों और कायनात के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाया। नंबर 7, स्टीफन हमेशा अपने काम के लिए कोशां था कि हर किसी के लिए काबिल रसाई हो, न सिर्फ साइंसदानों के लिए। उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिनमें बच्चों की किताब समेत हर किसी के समझने के लिए अपने नजरियात की वजाहत आसान अल्फाज में की गई थी। उनकी सबसे मशहूर किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 10 मिलियन से ज्यादा कापियां फरूख्त हुई। नंबर 8, स्टीफन को जानलेवा इंफेक्शन 1985 में हुआ। उसका हंगामी ऑपरेशन हुआ जिससे उसकी जान बच गई लेकिन वो बात करने के काबिल नहीं रहा। उसे एक खास कंप्यूटर दिया गया था जो उसके लिए बात करता था जिसे उसने अपने गाल के एक पुट्ठे को हरकत देकर कंट्रोल किया था। नंबर 9, स्टीफन को अपने काम के लिए बहुत से एजाजात मिले हैं जिनमें 1969 का अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, 1982 में ऑर्डर ऑफ द बर्च एम्पायर कमांडर और 1988 में फिजिक्स में वुल्फ प्राइज शामिल हैं। नंबर 10, स्टीफन को बहुत से लोगों के लिए एक उल्हाम के तौर पर याद किया जाता है। उसके पास हैरत अंगीज दिमाग, नाकाबिल यकीन इज्म था और उसने अपनी बीमारी को अपने रास्ते में खड़ा नहीं होने दिया। उसने डॉक्टरों की पेशीन गोइयों से इनकार किया। अपनी तशखीस के बाद मजीद 55 साल तक जिंदा रहा।